हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज की वीडियो में देखने वाले हैं तीन नए जॉब रिक्वायरमेंट जो कि फिर आपकी आई एम माइंड ट्री होडाफोन एंड आपका जो थर्ड कंपनी है फिर आपका है ग्लोबल स्टेप की तरफ से। तो बताने वाला वीडियो में इन तक जरूर देखना, लिंक सभी का मिल जाएगा अप्लाई करने का मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले वीडियो को इन तक जरूर देखें। चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर ले फिर यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट देखने को आपकी माइंड ट्री टीम की तरफ से, फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर हायरिंग कर रही है फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर C1 का। और फिर यहाँ बता दूँ आपको जो मैं है यहाँ पर जो बैच एलिजिबल होने वाले फिर वो है आपका 2020-2021 बैच के लोग इसमें एलिजिबल होने वाले अप्लाई करने के लिए। ओके, और यहाँ पर फिर बता दूँ यहाँ पर आप देखोगे तो फिर आपका सैलरी होने वाला है 26 का पर मंथ के हिसाब से, और आपका 4 LPA का पैकेज होने वाला। डेजिग्नेशन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटरशिप का होने वाला, BN C1 का आपका होने वाला, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई भी सर्विस एग्रीमेंट माइंट्री में नहीं है। बता दो फिर यहाँ पर आपका 60% 6 GPA आपका क्रिटेरिया रखा गया है, और कोई भी आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं हो, 2 साल गैप यहाँ पर अलाउड है, और ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, सबसे पहले आपका एक कोडिंग एप्टीट्यू टेस्ट होगा और आपका कोडिंग टेस्ट दोनों ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। और फिर आपका टेक्निकल डिस्कशन, देन आपका HR डिस्कशन जो आपका वर्चुअली होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्या क्या प्रिपरेशन करना है सर, क्या पढ़ना, मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका प्रिपरेशन के ऊपर में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो मैं चैनल पर जाकर, ठीक है। चलिए फिर सेकेंड बात करते हैं। फिर आपको अप्लाई करना, सिंपल आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, सिंपल सा फॉर्म आपको देखने मिल रहा होगा, ठीक है। BTech से उसके बाद आपको आपका जो ब्रांच है उसे फिलअप करना है, ओके। और यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नेम सब कुछ फिलअप करके आपको अप्लाई कर देना होगा। सेकेंड बात करते हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, उस बात को फिर वो आई है होडाफोन टीम की तरफ जो कि रिक्रूटमेंट कर रही ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। बाद फिर यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्लेस हो चुके हैं, अप्लाई जरूर करने हैं। रिक्रूटमेंट आपका रिप्लाई जरूर जरूर आएगा अगर आपका स्किल्स जो है मेंशन अगर आप करते हो अपने रेज्यूमे में, तो जहाँ चांस रहते हैं कि आपके पास रिप्लाई देखने को जरूर आएगा फ्रॉम द होडाफोन टीम। एक असेसमेंट होता है, फिर आपका एक टेक्निकल, देन आपका एक HR राउंड होता है, ठीक है। अप्लाई करना भी बहुत सिंपल है, किसी भी ग्रेजुएट ब्रांच बैच से एलिजिबल होने वाले अप्लाई करने के लिए। ओके, सिर्फ आपको अप्लाई नंबर पर क्लिक करके अप्लाई करना होगा। थर्ड लास्ट बात करें जो कि हायरिंग देखने को एक ग्लोबल स्टेप जो कि रिक्रूटमेंट कर रही है BTech MCA M Tech 2020-2021 बासठ बैच के लिए, और फ्रेशर्स और 0 to 1 year एक्सपीरियंस के लोग इसमें एलिजिबल होने वाले अप्लाई करने के लिए। रोल आपका होने वाला टेस्ट इंजीनियर वीडियो गेम टेस्टिंग, और आपका लोकेशन पुणे, सैलरी आपका 3 LPA होने वाला है। और बता दो फिर सिलेक्शन प्रोसेस, तो फिर आपका होने वाला फिर ऑनलाइन टेस्ट, फिर टेक्निकल इंटरव्यू, फिर आपका HR डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। और अप्लाई करना बहुत सिंपल है, आपको सिंपल ईमेल डालना है, वेरीफाई करना, OTP आएगा, OTP को फिलअप करना, फिर नेम, फिर ग्रेजुएशन, आप पासवर्ड जो भी आपका है, ओके, सब कुछ फिलअप करके आप सबमिट पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर अप्लाई करने पर आपको सबसे पहले एक आपका राउंड देखने को मिलेगा, फिर आपका टेक्निकल, देन आपका HR राउंड, सभी का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई जरूर करना। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।